हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइबर ट्रॉन में। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग विंडो 10 को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लाइसेंस के साथ ऑल इन वन पैक में। यानी कि हम लोग किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल के बाद हमें एक प्रॉब्लम आता है कि उसमें लाइसेंस की का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी 3 वर्जन में होगा, जिसमें आपको होम, विंडो 10 प्रो और विंडो 10 इंटरप्राइज तीनों मिल जाएगा, और वो भी प्री एक्टिवेटेड, यानी कि इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। तो आइए सबसे पहले मैं ब्राउज़र ऑन करता हूँ। यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आपको गेट इनटू पीसी, तो इसे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगा, सबसे ऊपर वाले जो है सर्च बार, उसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगा जो गेट इनटू पीसी का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सभी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नया पुराना लेटेस्ट अपडेटेड जो भी हो, वो सभी वर्जन में इसमें मिल जाएगा। विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 सभी तरह का यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जो चाहें वो उस तरह का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या है, यहाँ पर देखिए मैक और मैक का भी OS मिल जाता है, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग चलिए एक ऐसा विंडो डाउनलोड करते हैं जिसमें आपको टोटल ऑल इन वन मिल जाए। तो ये देखिए, ये जो है इसमें हमें टोटल विंडो मिल जा रहा है, विंडो 10 का होम, प्रो, एंटरप्राइजेस तीनों इसमें आ जाता है। तो इसे हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो नीचे आकर यहाँ डाउनलोड क्लिक पर करते हैं। ये देखिए ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। ओ, यहाँ पर आपका हमारा जो ब्राउज़र है वो इस साइट को ब्लॉक किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके कॉपी करते हैं लिंक को और दूसरे ब्राउज़र यानी कि क्रोम से ओपन करते हैं। तो क्रोम को ओपन करने के बाद इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद सर्च कर देते हैं। देखिए ये वही पेज खुल चुका है। अब यहाँ पर जाकर हम लोग को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये फिर से हमारे सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने एक विंडो खुल गया है जिसमें आपको 4.42 GB का है। चलिए इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, डाउनलोडिंग लगा देता हूँ। ये देखिए डाउनलोडिंग होने लगा है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसे हम लोग मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, तो इसे मैं ओपन कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर हमारा सेटिंग जो दिया हुआ है इस तरह से है। तो मैं चलिए इसे रन कराकर दिखाता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सा वर्ज़न मिला है और एक्टिवेटेड है या नहीं। तो आइए हम लोग सेटअप पे क्लिक करते हैं और इसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सेटअप पे क्लिक किया, इसमें कुछ टाइम लग सकती है, तो आप इस इंतज़ार करें। आप इसे दोस्तों जो जब भी इंस्टॉल कीजिएगा तो टेबल कर कीजिएगा। मैं तो इसे आपको बताने के लिए कि इसमें क्या क्या वर्ज़न दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे सेटअप से इंस्टॉल कर रहा हूँ। नहीं, आप इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो ये अभी विंडो लोड हो रहा है। देखिए ये हमारे सामने आ गया है कुछ। तो ऑनलाइन इंस्टॉल तो अभी अपडेट तो करना नहीं है। तो चलिए हम लोग एग्री कर देता हूँ एग्रीमेंट, और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ टाइम तक सर्च लेगा। तो चलिए हम लोग इसे फॉरवर्ड कर भगाकर आपको नेक्स्ट कर दिखाता हूँ कि नेक्स्ट विंडो क्या आएगा। तो चलिए फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे। फॉरवर्ड करने के बाद हमारे पास कुछ विंडो खुलेगा जिसमें आपको हर एक तरह का वर्जन दिखाई देगा, आप जो चाहें उसे कर सकते हैं इंस्टॉल।
ये देखिए दोस्तों हमारे सामने ये खुल चुका है जिसमें विंडो 10 प्री एक्टिवेटेड है। फिर उसके बाद विंडो 10 प्रोफेशनल ये भी प्री एक्टिवेटेड है और विंडो 10 इंटरप्राइजेस ये भी प्री एक्टिवेटेड है। तो आप किसी भी को भी सिलेक्ट कर उसे आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम सलाह देते हैं कि आप विंडो 10 प्रो पर ही इंस्टॉल कीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा और आप आसानी से इसे डाउनलोड कर पाए होंगे। तो भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो या आप चाहते हैं किसी तरह का और नया तरह का वीडियो टेक्निकल से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसे रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। और यदि आपको अगर किसी तरह का और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ।